हाय एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी डेट्स एंड आमंड केक जो कि है एगलेस। तो फटाफट बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, मैं ऑलवेज़ ट्राई करती हूँ कि घर में जो सामान हो सबके पास उसी से बन जाए। तो ये केक इतनी टेस्टी और सॉफ्ट बनती है कि आप, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। जब तक आप मेरा ये वीडियो देख के बनाओ नहीं तो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड किया है जिसकी वजह से केक बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो आप ये वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1/2 कप योगर्ट, 1 कप पाउडर शुगर चाहिए, 1/2 कप ऑयल। मैंने इसी कप से मेजरमेंट लिया है, तो बेकिंग के टाइम आप सेम मेजरमेंट लीजिए। आप कप लीजिए, बोल लीजिए, कुछ भी लीजिए, पर सेम लीजिए। 1 बोल चॉप्ड डेट्स, और यहाँ पे मैंने चॉप्ड आलमंड लिया हुआ है, और चाहिए वनीला एसेंस एंड बेकिंग सोडा। और मैंने यहाँ पे 1 बोल मिल्क लिया है, जितना चाहिए मैं उतना ही यूज़ करूँगी। और 1 टीस्पून मैंने वाइट विनीगर लिया है। तो पहले हम केक टिन को ऑयल से ब्रश कर लेंगे। चारों तरफ से करेंगे ताकि स्टिक नहीं हो जाए। अभी यहाँ पे मैं पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसमें प्लेन फ्लावर से डस्ट कर सकते हो। मैं भी एक बोल ले लूँगी, उसमें मैं वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी। तो पहले मैं ऑयल ले लेती हूँ, फिर इसमें पाउडर शुगर मिक्स कर दूँगी। और जो वाइट विनीगर मैंने 1 टीस्पून लिया था वो भी मिक्स कर दूँगी, और इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस अभी दे दूँगी, तो इसका फ्लेवर अच्छे से आएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी मैंने शुगर और ऑयल का मिक्सर साइड में रख दिया है। पहले मैं योगर्ट बोल में 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा मिक्स करूँगी। 1.5, इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दूँगी। तो अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया था, 1/2 कप फिर से वेट इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। ये थोड़ा थिक हो गया है, तो अभी इसमें मैं जो योगर्ट लिया था ये एक्टिवेट हो गया है, तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना प्लेन फ्लावर मिक्स कर दूंगी। कट एंड फोल्ड मेथड में अभी बाकी जो प्लेन फ्लावर है वो भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूंगी। आप एक साथ मत डालो इसमें, क्योंकि ये थिक हो जाएगा, कितना मिल्क लगेगा हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे।
में जितना बचा है हमारा प्लेन फ्लोर सब मैं डाल दूंगी इसमें, और थोड़ा सा मिल्क चाहिए। थोड़ा सा और चाहिए मिल्क, ज़्यादा नहीं। बैटर रेडी हो गया है, अभी मैं इसमें डेट्स ऐड करूँगी और आलमंड थोड़ा सा रख दूँगी, ऊपर से डालूँगी। इसको एक बार फाइनली अच्छे से एक मिक्स दूंगी कट एंड फोल्ड मेथड में। हमारा मिक्सर रेडी हो गया है, अभी तो मैं इसको केक टिन में डाल दूंगी। अभी इसको केक टिन में हम डाल देंगे। अभी मैंने मिक्सर को डाल दिया है केक टिन में, तो जो मैंने आमंड रखा था वो ऊपर से मैं दे दूंगी, तो अच्छा लगेगा देखने के लिए। मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए 180 डिग्री पे रख दिया है 10 मिनट्स के लिए, तो मेरा ओवन अभी प्रीहीट हो गया है, तो मैं अभी केक को ओवन में रखूँगी। उसके पहले मैं एक टैप दे देती हूँ। अभी केक बेक हो गई है, इसको बेक होने के लिए हमें लगा है टाइम 40 मिनट्स। तो अभी बहुत ही हॉट है, तो मैं इसको एक क्लॉथ के साथ इसको कवर कर दूंगी और रूम टेम्परेचर तक आने के लिए वेट करूंगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले किस तरह से कम इंग्रेडिएंट्स लेकर इतना टेस्टी और सॉफ्ट केक बना सकते हैं घर पे। तो मैं आज वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, और जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय।